भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का थाने पर हंगामा, इंदौर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां भी भांजी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इंदौर के भंवरकुआं थाने पर गुरुवार रात जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राव विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी के समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव कर दिया। इसकी जानकारी लगते ही कांग्रेस कार्यकर्ता भी यहां पहुंच गए, जिसके बाद दोनों ओर से नारेबाजी शुरू हो गई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने बल प्रयोग का प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता दोनों एफआईआर के लिए अड़े। भाजपा का आरोप है कि गुरुवार रात जीतू पटवारी के समर्थकों ने पार्षद पति पुष्पेंद्र सिंह चौहान से मारपीट की। इसमें जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी भी शामिल हैं। भाजपा कार्यकर्ता एफआईआर के लिए अड़ गए। इधर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा झूठा आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के कार्यकर्ता जीत नगर में शराब बंटवा रहे थे, इसका विरोध किया तो उन्होंने अभद्रता कर मारपीट की। काउंटर एफआईआर के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता भी अड़ गए, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। डीसीपी बोले दोनों पक्षों ने मारपीट का केस दर्ज कराया। इंदौर जोन 4 के एडिशनल डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच जीत नगर में विवाद हुआ है। इसमें एक पक्ष के व्यक्ति के सिर में चोट आई है, वो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आया था। उसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग भी मारपीट की शिकायत दर्ज कराने थाने पर पहुंच गए। दोनों पक्षों ने मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक आरोप है कि एक पक्ष द्वारा शराब और कंबल बांटे जा रहे थे, इसकी भी जांच की जा रही है। बता दें कि जिस व्यक्ति के सिर में चोट लगी है वो जीतू पटवारी का समर्थक रोहित पटवारी है। भाजपा प्रत्याशी बोले कांग्रेस के लोगों ने की मारपीट। राव से भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा का कहना है कि हमारे कार्यकर्ता पुष्पेंद्र चौहान और आशीष वार्ड संयोजक हैं। दोनों अपने वार्ड में गए थे, वहां कांग्रेस के कुछ लोग आए और मारपीट करना शुरू कर दी। बुधवार को भी नाना पटवारी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया था। वर्मा का आरोप है कि बुधवार को तेजाजी नगर क्षेत्र में कांग्रेस के लोग मिठाई और पैसे बांट रहे थे, उनको हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा था और थाने में भी जानकारी दी। थाने पर किसी भी तरह की झूमा झटकी नहीं हुई है, हम इसलिए आए हैं कि कार्यकर्ता भारी संख्या में आ गए थे तो हमने उनको समझा बुझा कर भेज दिया है। आंसू गैस के गोले छोड़े जाने को लेकर मधु वर्मा ने कहा कि अभी कोई जानकारी नहीं है। पटवारी बोले भाजपा में हार की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। राव से कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी ने इस मामले में कहा कि भाजपा में हार की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मारपीट करने के बाद शासन प्रशासन पर केस दर्ज करने का दबाव डाला जा रहा है। हमारे गांव के रहने वाले रोहित पटवारी जब जीत नगर में प्रचार कर रहे थे, उन पर पार्षद पति पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने हमला कर दिया, उन्हें गंभीर चोट आई है। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा अपने भाई बलराम वर्मा के साथ थाने पहुंचकर पुलिस पर गलत कार्रवाई करने का दबाव डाल रहे हैं। घायल रोहित बोला मुझ पर पीछे से हमला किया। जीतू पटवारी के समर्थक घायल रोहित पटवारी का कहना है कि बिलावली में मेरा खेत है, मैं खेत से घर जा रहा था, तब 8 से 10 गाड़ियां थीं, सभी को चेक किया जा रहा था। जब उनको पता चला कि ये रोहित पटवारी है तो बलराम वर्मा और उनके साथी ने मुझ पर पीछे से हमला कर दिया, मुझे मारने लगे। सिर में चोट लगने के कारण आगे क्या हुआ कुछ जानकारी नहीं है। इंदौर के द्वारकापुरी में बुधवार रात बड़ा हंगामा हुआ। यहां कांग्रेस नेता पर शराब बेचने के आरोप लगाते हुए क्षेत्रीय पार्षद ने पिटाई कर दी। कांग्रेस नेता दौड़ लगाते हुए थाने में घुस गए। यहां बीजेपी पार्षद और उनके समर्थक भी पहुंच गए। कांग्रेस नेता ने अपने कार्यवाहक अध्यक्ष और कांग्रेस प्रत्याशी को सूचना दी। टीआई के सामने ही कांग्रेस नेता को पार्षद और उनके समर्थक धमकाते रहे। बाद में एसीपी के और एडिशनल डीसीपी के हस्तक्षेप के बाद बीजेपी पार्षद के खिलाफ मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।